नमस्कार दोस्तों, ईबीबी टैग में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में आई कैलेंडर ऐप क्या है और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। तो दोस्तों, क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको कुछ इसी तरह से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और कुछ इसी तरह से आई कैलेंडर ऐप करके आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, इस ऐप का रिव्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, जो कि 4.1 है और इसकी डाउनलोडिंग है वो यहाँ से आपको 10K+ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसकी डाउनलोडिंग भी काफ़ी अच्छी है और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, उसी तरह से इस ऐप को यहाँ से हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, यह ऐप रहेगी वो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपके सामने ओपन होने लग जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ से आपके सामने स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, तो स्टार्ट कर लेनी है। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपके सामने कुछ इसी तरह से यह ऐप रहेगी ओपन होने लग जाएगी। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों, देख सकते हो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपके सामने इधर इंटरफेस इसका देखने को मिल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ से हमारी जो भी ऐप रहेगी वो कुछ इसी तरह से यहाँ से ओपन होने लग जाएगी। तो देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से आपके सामने ऐड आएगी, तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। दोस्तों, देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से ऐड को मैं साइड से क्लोज कर देता हूँ। उसी तरह से स्किप करके यहाँ से क्लोज कर लेने हैं। क्लोज करने के बाद दोस्तों, ऐप रहेगी वो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपके सामने ओपन हो भी जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ से बूस्ट नाउ करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ से बूस्ट नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारा जो भी फ़ोन रहेगा वो बूस्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ से हमारे जो भी अंदर के वायरस रहेंगे वो डिलीट हो जाएंगे। और उसी तरह से ऐड आएगी तो ऐड को यहाँ से साइड में सेकंड आएगी वहाँ पर वीडियो को, कुछ इसी तरह से यहाँ से सेकंड को हम साइड से स्किप करके यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों, ऐप रहेगी वो कुछ इसी तरह से यहाँ से ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपके सामने कुछ इसी तरह से फ़ोन क्लीनर का ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको फ़ोन क्लीनर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से हमारे जो भी अंदर के अलाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जो भी हमारे अंदर के एंटीवायरस रहेंगे यहाँ से क्लीन कर लेना है। तो उसी तरह से यहाँ से आपको क्लीन वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारा जो भी मोबाइल रहेगा वो एकदम सेफ हो जाएगा। तो उसी तरह से इस क्लीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो जो कि हमारे वीडियो के साथ जो भी एंटीवायरस रहेंगे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हो उसी तरह से इस ऐप को यूज़ करने के बाद दोस्तों, यहाँ से हमारा जो भी मोबाइल रहेगा एकदम स्मूथली यूज कर पाओगे। और उसी तरह से यहाँ से हम ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। गुड उसी मॉर्निंग तरह से यहाँ से फ्रेंड्स। क्लोज करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपके सामने एक ऑप्शन है वो अपना, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसी तरह से ऐप मैनेजर में जाओगे तो उसी तरह से एक एक करके आपको सभी ऐप के जो सिस्टम है वहाँ के एंटीवायरस को रिमूव कर लेना है। तो उसी तरह से यहाँ से हमारे जो भी ऐप मैनेजर है तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों, कुछ इसी तरह से यहाँ से हम ओपन किया। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपके सामने कुछ इसी तरह से ऐड है तो हम यहाँ से इस ऐप को कुछ इसी तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको फ़ोन क्लीनर वगैरह आपको एक एक ऐप करके यहाँ से क्लीन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और उसी तरह से यहाँ से क्लीन वाला ऑप्शन पर आपको वापस क्लिक कर देना है। उसी तरह से एक एक करके आपको सभी फोल्डर को क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद दोस्तों, यहाँ से हमारा जो भी मोबाइल रहेगा वो एकदम स्मूथली यूज़ कर पाओगे। तो उसी तरह से यहाँ से क्लीन पे ऊपर पे क्लिक करके यहाँ से आपको कुछ इसी तरह से यहाँ से हम जो कि डायरेक्ट बैक आए थे तो उसी तरह से एक एक करके आपको सभी क्लीन कर देना है। तो दोस्तों, देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से आपके सामने ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। उसी तरह से यहाँ से नीचे आपको सेकंड वाइज एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ से आपको इसके वीडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों, यहाँ से हमारा जो भी सिस्टम है कुछ इसी तरह से ऐप मैनेजर ऐप फाइल वगैरह आपको बूस्टिंग वगैरह है जो भी अपना फ़ोन बूस्ट है फोटोज़ क्लीनर है तो कुछ इसी तरह से आपको अंदर अंदर फोटो रहेंगे उन्हें आप क्लीन करना चाहते हो तो कुछ इसी तरह से ऐसे आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो उसी तरह से ऐसे आप अपने मोबाइल को सेफ रख सकते हो और उसी तरह से इस मोबाइल को आप अंदर इसकी सेटिंग रहेगी वो देखने को मिल जाएगी, जो कि देख सकते हो प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह इसके जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और उसी तरह से इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारा जो भी फ़ोन बूस्ट का ऑप्शन रहेगा क्लीनर का वो यहाँ से आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। और उसी तरह से यहाँ कुछ इसी तरह से यहाँ से अपने जो भी क्लीन वाला ऑप्शन है इधर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इसी तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह से इस ऐप को यूज़ करके आप अपने मोबाइल को सेफ रख सकते हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।